और इस बीच संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर यह है कि तीन जगहों पर दिल्ली पुलिस इस मामले की छानबीन करने के लिए पहुंच गई है। हरियाणा की जींद में दिल्ली स्पेशल टीम एक आरोपी नीलम के घर पर पहुंची है और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई है, जबकि एक दूसरी जो टीम है वो लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर पहुंची है और उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। दिल्ली पुलिस की एक और टीम महाराष्ट्र के लातूर पहुंची है, जहां पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी अमोल शिंदे के घर पर उसके परिवार वालों से पूछताछ की है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि अमोल शिंदे के घर से कुछ सामान जब्त किया गया, जिसे लेकर पुलिस की टीम अपने साथ यहां पर निकल गई है, लेकिन आसपास भी लोगों से पूछताछ की गई है। उसके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है, आखिर वो कैसे लोगों के संपर्क में रहता था, कहीं और कोई बड़ा आरोप तो उस पर नहीं है। ये सब कुछ भी जरूर इस वक्त जांचा जा रहा होगा। और जब पुलिस की टीम घर पहुंच रही है तो सिर्फ परिवार वालों से बात नहीं की जा रही है, बल्कि जो वहां पर लोग मौजूद है यानी कि आसपास भी जो है उनसे भी यहां पर पता लगाया जा रहा है। 13 दिसंबर की आपको याद होगा जब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई और उन सभी आरोपियों से अब लगातार पूछताछ की जा रही है, और इसी पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक आरोपी नीलम के घर पर पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ की है। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जींद हरियाणा जहां नीलम का घर है, सागर शर्मा जहां पर लखनऊ में उसका घर है, और महाराष्ट्र के लातूर अमोल शिंदे के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है, और कई सारी ऐसी चीजें भी इनके घर से बरामद की गई है जो पुलिस अपने साथ लेकर चली गई, और उसी के आधार पर अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये तीन तस्वीरें बताती हुई कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कैसे अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर भी उनसे पूछताछ तो हो ही रही है, लेकिन उनके घर भी जाया जा रहा है, आसपास की चीजों को भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि और कोई ऐसी जानकारी जो आरोपी खुद अगर नहीं बता रहे हो तो पुलिस उस तक कैसे पहुंच जाए। ये सब कुछ इस वक्त चूंकि टेरन एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच जारी है, उनको फंडिंग कैसे हो रही थी, सब कुछ इस वक्त जांचा जा रहा है। और इस बीच आपको बताएं कि जिन तीनों आरोपियों के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है उन पर आरोप आखिर क्या क्या लगे हैं, अब आपको विस्तार से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, सबसे पहले आप जानिए सागर शर्मा जिसका घर लखनऊ में है, संसद के अंदर कलर स्प्रे लेकर जो पहुंचा था अपने जूते में छिपाकर, वो यही आरोपी है। नीलम जो संसद के बाहर रंगीन धुआं उड़ाकर प्रदर्शन कर रही थी, इसका आरोप लगा था, संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया, ये वही नीलम है। इसके अलावा अमोल शिंदे जो लातूर का रहने वाला है यानी कि महाराष्ट्र का, संसद के बाहर रंगीन धुआं उड़ाकर प्रदर्शन अगर किसी ने किया तो वो अमोल शिंदे था, वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में हालांकि आ चुका है, लेकिन इसको लेकर भी डिटेल जारी है। ये बड़ा आरोप है जो अमोल शिंदे और इन तमाम जो आरोपी हैं उन पर लगाया गया है। और इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में लश्कर का आतंकवादी हबीबुल्लाह और भोला खान और खान बाबा मारा गया है। हबीबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा के टांग शहर में कल शाम गोली मार दी गई थी, और इस बार भी किसी अज्ञात बंदूकधारी ने, हमलावर ने इस आतंकवादी को अपना निशाना बनाया है। हबीबुल्लाह लश्कर के लिए नए लड़ाकों की भर्ती करता था और उसकी मौत से लश्कर चीफ हाफिज सईद को बड़ा झटका लगा है। इस साल पाकिस्तान में लश्कर के 4 आतंकियों की हत्या कर दी गई है और जिनमें से 3 आतंकी इसी दिसंबर महीने में ढेर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के आतंकियों के दिलों में अज्ञात बंदूकधारी का इतना खौफ बैठ गया है कि सभी आतंकी संगठनों के आकाओं ने अपने प्रमुख आतंकियों को मस्जिदों में नमाज के लिए जाने तक पर रोक लगा दी है। और यही नहीं, निकाह पार्टी में भी आतंकियों के जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि भीड़ का फायदा उठाकर कोई हमलावर उन्हें निशाना ना बना पाए। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या जारी है, फरमान जारी कर दिया गया कि ना आप बाहर जाएंगे, ना मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, ना किसी निकाह के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए अज्ञात बंदूकधारी एक के बाद एक निशाना बना रहे हैं, और लश्कर को खासतौर पर चूंकि इससे पहले भी लश्कर के ही कई आतंकी मारे जा चुके हैं, और अब एक और बड़ी खबर निकलकर यह सामने आई है, पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है और लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की हत्या की गई है, और इस पर क्या जिम्मा था, ये क्या करता था, नए आतंकियों की भर्ती करता था। आपको ये भी बता दें लश्कर का आतंकी जब ढेर हुआ है तो पाकिस्तान में एक के बाद एक लश्कर के आतंकियों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब तक लश्कर के कई ऐसे आतंकी हैं जिनकी हत्या हो चुकी है, उन्हें निशाना बनाया जा चुका है। इसी महीने दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो लश्कर का ये तीसरा आतंकी है जो मारा गया है। आतंकी हबीबुल्लाह, आतंकी रियाज अहमद भी मारे जा चुके हैं, और इस साल आतंकी अदनान, आतंकी अकरम की भी मौत हुई थी, और उसके पीछे भी आप देखिए जो अज्ञात बंदूकधारी हैं वही होते हैं, चाहे जो इनके आका है वो ये फरमान जारी कर दें कि आप बाहर नहीं जाएंगे, आप मस्जिद में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और इससे इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ इनमें हो गया है। आतंकी हबीबुल्लाह, आतंकी रियाज अहमद भी इससे पहले मारे गए थे।
और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको लगातार बता रहे हैं, इस पर नजर हमारी रहेगी। लेकिन अब बात इसकी भी कर लेते हैं कि कैसे संसद सुरक्षा चूक मामले में लगातार जांच पड़ताल को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, वो आप देखिए कि कैसे उस मामले में लखनऊ में सागर शर्मा के घर पर पुलिस पहुंची है और जो सीसीटीवी यानी कि जहां से जूता खरीदा गया था, दो जूते बकायदा खरीदे गए थे, वहां का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है, दुकानदार का बयान दर्ज किया गया है। दुकानदार की तरफ से ये बताया गया कि दो लोगों के लिए जूते बनवाए थे। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि डीवीआर यहां से ले लिया गया है और उसके बाद अब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं ये बताती हुई कि कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब अलग अलग राज्यों में जा रही है, यानी कि आरोपियों का घर जहां पर है वहां पर जा रही है। इसके अलावा कहां पर वो गए थे, कहां से उन्होंने क्या खरीदारी की है, सब कुछ जांचा जा रहा है। और खास तौर पर सागर शर्मा जिसने जूते खरीदे थे उस दुकान पर भी पुलिस पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की टीम दिन में आई थी, 3 घंटे मेरे साथ रही है, उन्होंने पूरी तहकीकात करी है, फोटो दिखाई है, हम कुछ पहचानते नहीं थे और उन्होंने उससे अपना बात करी तो उसने बताया कि मैंने 600 रुपये की रेंज का जूता लिया है और लांसर कंपनी का है। तो मैंने जूता जो है बताया कि 699 की रेंज का है, वो 600 का बिकता है। तो वो बता रहे 2 जोड़ी जूते उन्होंने लिए हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिए होंगे, मेरी दुकान है, मेरी कस्टमर आता है लेकर जाता है, 31 साल मेरी पुरानी दुकान है। और उन्होंने जो जो पूछा और 2 DVR वो उसके साथ देखे हैं। ये आप दुकानदार को भी सुन रहे थे जिसकी तरफ से ये बताया गया कि कैसे दो लोगों के लिए जूते यहाँ पर बनवाए जाते हैं। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अमित ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल पा रही है, चूंकि लखनऊ भी टीम पहुंची है, महाराष्ट्र भी पहुंची है, हरियाणा भी जा रही है, लखनऊ से और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, लखनऊ में दिल्ली पुलिस पहुंची और उसके बाद सागर शर्मा के घर पर जाकर पूछताछ की। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है उसने सागर शर्मा से उसके माता पिता की बातचीत की है, माता पिता और बहन से बातचीत कराई है और उसके बाद लंबी पूछताछ भी हुई है। पूछताछ के बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम थी वो उस जूते की दुकान पर पहुंची जहां से सागर शर्मा ने जूते खरीदे थे 699 रुपये में, और उस जूते में ही वो स्प्रे छिपाकर अंदर पार्लियामेंट में लेकर गया था। तो दुकानदार से भी पूछताछ हुई है, यहाँ तक की सीसीटीवी विजुअल्स भी खंगाले गए हैं। और उसके बाद अमित, वो इस दुकान पर अकेला पहुंचा था या उसके साथ कोई मौजूद था, क्या ये कुछ पता चल पाया है? देखिए, इस बारे में बताया जा रहा है कि फिलहाल जो है उसके साथ एक और शख्स पहुंचा था, तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की टीम हो सकती है कि उससे भी पूछताछ करे, लेकिन ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और जैसे ही आज दिल्ली पुलिस हरकत में आती है या किसी और से पूछताछ करती है तो जाहिर तौर पर इस पर भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखेगा, आपका रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर लगातार दर्शकों को बता रहे, जैसे अमित भी जानकारी दे रहे थे कि दुकान के अंदर हो सकता है, अभी तक की जानकारी ये कह रही है कि उसके साथ में यानी कि सागर के साथ में कोई दूसरा शख्स भी मौजूद था। क्या वो दूसरा शख्स इन्हीं आरोपियों में से कोई है या फिर कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति, और अगर वो बाहर का है तो उसका क्या इनसे कनेक्शन है, ये भी इस वक्त जरूर खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है। इन सबके बीच में संसद सुरक्षा चूक मामले में एक और बहुत बड़ा अपडेट जो मिल रहा है वो आपको बता देते हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है और News18 India आरोपी ललित झाके उस ठिकाने तक पहुंच गई है जहां पर वो फरार होने के दौरान छिपा हुआ था। दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर नागौर के कुचामन सिटी के पास त्रिशंगिया गांव के इसी होटल में आरोपी ललित झा ठहरा हुआ था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस होटल में उसके रुकने का इंतजाम उसी के साथी महेश कुमावत ने करवाया था और यहीं पर महेश और ललित ने मिलकर सभी आरोपियों के मोबाइल फोन आग के हवाले कर दिए थे और उस सबूत को नष्ट कर दिया था जो संसद की सुरक्षा सेंध मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता था। हालांकि उन फोन को निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है और फोरेंसिक टीम को भी भेज दिया गया है। पुलिस आई थी तभी मेरे को पता चला था भाई ये कांड करके आए, मेरे को पता ही नहीं था, तब पता चला भाई ये कांड करके आए। मेरे उसको एक कोई जानता हूँ, नाव से जानता हूँ, और उसका होता होता कुछ भी नहीं जानता। किसको जानते हो? महेश पहले कोरोना पहले आता था उसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता, बाकी का नाम के अलावा कुछ नहीं जानता, उसका घर जाति कुछ नहीं जानता। और आपने सुना, News18 India की टीम वहां पहुंच गई यानी कि नागौर के कुचामन सिटी में, और ये वही होटल है जहां पर ललित झा ठहरा हुआ था। ये जो तस्वीर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये उसी होटल की तस्वीर है जहां पर ललित झा रुका हुआ था और उसके साथ महेश कुमावत भी मौजूद था, और वहीं पर जो 4 मोबाइल फोन थे आरोपियों के उसे नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि उन मोबाइल फोन को बरामद कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, ये बताइए कि फोरेंसिक टीम को चूंकि
मोबाइल फोन को भेज दिया गया था। क्या कोई डिटेल ये है कि डेटा को रिकवर कैसे किया जा रहा है या कितनी मुश्किल इसमें हो रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी करीबन 3 से 4 मोबाइल फोन जिन्हें नष्ट कर दिया गया था उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ताकि उनके जो डाटा है उससे वापस हासिल किया जाए, लेकिन ललित का मोबाइल फोन अब तक पुलिस नहीं बरामद कर पाई है, जिसके लिए लगातार पुलिस की रेड जारी है। और पुलिस नागौर के उस होटल तक भी पहुंची थी जहां पर कि ललित और महेश आकर ठहरे थे 13 दिसंबर की घटना के बाद। उस होटल के जो ऑनर है, केयर टेकर है, उसके भी बयान जो है वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए थे। और कल राजस्थान पुलिस भी उस होटल पहुंची थी और वहां पर उसने भी तफ्तीश जो है वो अपनी की थी, क्योंकि वहीं पर मोबाइल को नष्ट किया गया था, मोबाइल को जलाया गया था। अभी पुलिस के लिए चुनौती है कि जो मोबाइल फोन है उसका डाटा रिकवर किया जाए, लेकिन उसमें काफी मशक्कत पुलिस को करना पड़ेगी क्योंकि फोन पूरी तरह से जला दिए गए थे। और यही वजह है कि पुलिस को शक हो रहा है कि उन फोन में कई गहरे राज छुपे हुए थे, संसद के अंदर घुसने की जो पूरी घटना हुई है उससे जुड़े हुए। आनंद, ललित की निशानदेही पर जो बाकी फोन है उन्हें बरामद किया गया है क्या? और अगर हाँ तो फिर ललित जाने क्या अपने फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, वो पुलिस से छिपाता लगातार दिखाई दे रहा है? देखिए, कल लगातार अपने बयान जो है वो चारों आरोपी बदल रहे थे, पूछताछ में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। वो जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे उस आइडियोलॉजी के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता। यही बात पुलिस को हजम नहीं हो रही कि शायद पुलिस को लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश किया गया है और कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो इस पर्दे के पीछे, अभी जिसका सच पता लगाने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो ललित से पूछताछ कर रही है। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। अब संसद सुरक्षा चूक मामले में जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ रही है। आपको और भी ज्यादा जो डिटेल इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब आपको जो आरोपी है उन पर आरोप क्या क्या है वो भी बताते हैं। सागर शर्मा संसद के अंदर कलर स्प्रे जिसने किया था उसका आरोप इसी सागर शर्मा पर है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, वहां पर भी टीम पहुंची हुई है। नीलम हरियाणा की रहने वाली है, जींद की संसद के बाहर रंगीन धुआं उड़ाकर जिसने प्रदर्शन किया था उस आरोपी का नाम नीलम ही है, ये भी पुलिस गिरफ्त में है, जांच पड़ताल इसको लेकर भी हो रही है। अमोल शिंदे महाराष्ट्र का रहने वाला है, संसद के बाहर रंगीन धुआं उड़ाकर जिसने प्रदर्शन किया था और ये नीलम के साथ वहां पर शामिल था वो आरोपी यही है अमोल शिंदे, और इसी का बैकग्राउंड और भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बहुत संगीन आरोप है और इन्हीं सारे संगीन आरोपों की जांच पड़ताल के लिए और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना अब भी बाकी हैं, और इसी को लेकर जो पुलिस है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये भी बता दें कि संसद सुरक्षा चूक मामले में एक और बड़ी खबर ये है, चूंकि न्यूज 18 इंडिया भी वहां पर पहुंचा, आरोपी ललित झा के उस ठिकाने तक भी पहुंचा, लेकिन और भी ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे आरोपियों के मोबाइल फोन हुए ये जरा आप जान लीजिए। आरोपी ललित ने जब पूछताछ की गई तो मोबाइल को नष्ट किया गया, उसी की तरफ से राजस्थान के नागौर में इस बात को कबूल कर लिया गया। ललित की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस राजस्थान पहुंची और राजस्थान नागौर का कुचामन सिटी जहां पर ये ललित और महेश ठहरे हुए थे, इसी की निशानदेही पर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। ललित की बताई लोकेशन पर पुलिस पहुंची और उसके बाद सभी मोबाइल फोन जले और टूटे हुए हालत में मिले, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश ललित और महेश की तरफ से की गई थी। ललित जाने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे, इस बात को खुद उसने मान लिया है, कबूल कर लिया है और उसी की निशानदेही पर फोन बरामद कर दिए गए हैं। ललित ने पहले सभी मोबाइल फोन तोड़ दिए थे, उसके बाद जला दिए गए। प्रदर्शन के बाद सभी आरोपियों के मोबाइल लेकर जो भागा था शख्स आरोपी वो यही ललित झा है, और उसने कहा कि पहले उसने मोबाइल फोन को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उसे जला दिया गया ताकि कोई भी सबूत ऐसा ना रह जाए जो पुलिस तक पहुंच जाए और उसके बाद इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हो सके। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ललित झा जरूर ये जानकारी तो दे रहा है कि आरोपियों के मोबाइल फोन कहां है, लेकिन उसका खुद का मोबाइल फोन कहां है ये अभी तक भी पता नहीं चल पाया है, और इसीलिए बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना अभी यहां पर बाकी है। और 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों से लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, और इसी पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक आरोपी नीलम के घर पर पहुंची है, यानी कि जो बैकग्राउंड है उसे खंगाला जा रहा है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले की अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। स्पेशल पुलिस जो टीम है वो 3 प्रदेशों में जांच कर रही है और वहां पर जो भी लोग मिलते जा रहे हैं, परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। नीलम और अमोल को संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने रंगीन धुएं के साथ प्रदर्शन करते हुए पकड़ा गया था। जींद के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लखनऊ, महाराष्ट्र के लातूर और राजस्थान के नागौर में लगातार छानबीन कर रही है। लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर पर छानबीन की गई है और परिवार वालों से भी बाकायदा पूछताछ की गई, और सिर्फ इतना ही नहीं है,
वो सागर शर्मा जहां से उसने जूते बनवाए थे, जिस दुकान से जूते बनवाए थे वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची है और जो उसका दुकान मालिक है उसके बयान दर्ज किए गए हैं। यानी कि ये तो साफ है कि अब दिल्ली पुलिस जो है, जो स्पेशल टीम बनाई गई है, वो अलग अलग राज्यों में जा रही है और इसके अलावा भी जहां से कनेक्शन होने की खबरें मिल रही होंगी, जहां से भी लिंक हो रहा होगा वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंच रही है। 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की जांच अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।